नमस्कार, शुक्रवार आ पहुंचा है, हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत कैसे। तो वैसे तो अमेरिकी बाजार बंद रहे हैं थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी पर, आज भी हाफ डे वहां रहने वाला है। एसजीएक्स निफ्टी यहां सुस्ती दिखाई दे रही है, 45 अंकों की सुस्ती के साथ हो रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स 40-43 अंक के आसपास ही हम वहां ट्रेड्स होते हुए देख रहे हैं। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो यहां पर एक सुस्त छोटे दायरे का ट्रेड दिख रहा है, और कमोडिटी बाजार में भी बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद है। तो अमेरिकी बाजार बंद है, इस वजह से बहुत छोटे वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चा तेल एक बार फिर से प्रेशर में। बाकी मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है और किन ट्रिगर्स पर अब नजर रखने की यहां से जरूरत है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, आज ग्लोबल मार्केट्स के लिए आप छुट्टी ले सकते थे ना, लिंक मिलनी भी चाहिए थी आज से छुट्टी। सो क्या हुआ अभी, कुछ हुआ है यहां पे, कहीं नजर रखनी है? स्टेबल संकेत है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। नया ऑब्वियसली यूएस का हैंडओवर नहीं है तो वहां से कुछ आपको ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव मिला है। और डाउ फ्यूचर्स कल भी अच्छे दिख रहे थे, आज भी अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत कम है सीमित दायरे में। आज भी हाफ डे होने वाला है तो इस पूरे हफ्ते कम वॉल्यूम्स रहे यूएस में, वहां से तो कोई परेशानी नहीं है। ऑफकोर्स वहां पर आज ब्लैक फ्राइडे सेल्स होंगी, ऑफिशियली जो उनका फेस्टिव सीजन है वो शुरू हो गया, और ब्लैक फ्राइडे सेल्स बहुत बड़ा रिटेल इवेंट होता है यूएस का। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरह की रहती है ब्लैक फ्राइडे सेल्स, बढ़ते इन्फ्लेशन का मांग पर अगर कुछ असर पड़ा है, या जो धीमेपन की बात हो रही है क्या मांग पर या कंज्यूमर स्पेंडिंग पर कुछ असर पड़ा है कि नहीं, आज ये पता चलेगा। तो ऑफकोर्स मंडे तक सारा डेटा होगा हमारे सामने, देखेंगे कैसे रिएक्ट करते हैं, बट इस पर रखनी है आपको नजर। इक्विटी मार्केट्स में यूएस में हाफ डेज जरूर है, बट बॉन्ड मार्केट्स आज पूरी तरह से बंद है यूएस की। यूरोप की बात करें तो लगातार तीसरे दिन यूरोप में आपने गिरावट, माफ कीजिएगा, तीसरे दिन तेजी होते हुए देखी, इनफैक्ट आधे से 0.5% की तेजी आपने यूरोप के बाजारों में देखी। तो अच्छा मूड माहौल वहां पर भी बना हुआ है। जर्मनी का इकोनॉमिक सेंटिमेंट ये सुधर कर आया है तो ये अच्छी बात है, बिजनेस सेंटिमेंट सुधर कर आया है तो ये अच्छा डेटा है। बट इसके सामने जर्मन सेंट्रल बैंक ने कल एक स्टेटमेंट दिया जहां पर वो कह रहे हैं कि धीमापन आ रहा है, ध्यान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तो सुस्ती की चिंता जरूर इनके सेंट्रल बैंक ने जताई है। ब्रिटिश पाउंड लगातार मजबूत होते दिख रहा है, कल भी हमने पाउंड को मजबूत होते दिखा है, और उसका मेन फैक्टर ऑफकोर्स है डॉलर की सुस्ती का। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं लगातार कमजोर है, 106 के आसपास ही ट्रेड करते दिख रहे हैं, उनके इसके नीचे ही है। तो डॉलर इंडेक्स से भी कोई परेशानी इस समय बाजार को नहीं मिल रही है, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स से कमोडिटीज को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। इस हफ्ते करीब 2% डॉलर इंडेक्स आपको गिरते हुए दिखा है। कच्चे तेल पर आते हैं, कहीं नहीं गया है, $85 के आसपास ही आपको ब्रेंट हवर करते हुए दिख रहा है। इस हफ्ते ऑफकोर्स थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन जरूर रहा है। रशिया पर प्राइस कैप की बात जो चल रही है $65 से $70 की, G7 में तो सहमति बन गई है बट यूरोप में इस पर सहमति नहीं बनी है। आज भी मीटिंग होगी इस पर, देखते हैं क्या सोच विचार होता है, क्या डिसीजन निकल कर आता है। बट G7 का डिसीजन और यूरोप का डिसीजन जरूरी नहीं कि सेम हो, बट एनीवे तेल के प्राइस पर तो प्रेशर पड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, एक तो अमेरिका में एक भंडार बढ़ा था, दूसरा चीन के में लॉकडाउन लगे हुए हैं, बीजिंग में लॉकडाउन लगा हुआ है तो उससे भी मांग पर चिंता बनी है। तो 2 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल, कोई परेशानी की बात वहां पर नहीं है। नेचुरल गैस बड़ी तेजी के बाद अब लगातार 2 दिनों से आपको गिरते हुए दिख रहा है, वहां से भी आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। सोना और चांदी ऑलमोस्ट दायरे में है, 1750 के आसपास ही आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आपको सोना दिख रहा था, आज भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स मिला जुला सुस्त वाला कारोबार था, एग्री कमोडिटीज में भी सुस्त है। तो ये चीन की चिंता है और वहां पर आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं कमोडिटीज पर क्योंकि डॉलर सुस्त है तो निचले स्तरों से थोड़ा सहारा भी आ रहा है। बट ओवरऑल अच्छे ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है, एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजार तो सेलिब्रेशन के मूड में दिख ही रहे थे कल। एसजेएक्स निफ्टी हल्की सुस्ती दिखा रहा है बट अदरवाइज कोई मोमेंटम मूड में खराबी नहीं दिख रही है कहीं से भी। तो कह सकते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल्स इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है, रिटेल फ्रंट पर हमारे मार्केट्स उसे पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हुए दिखे। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले देख लेते कि कल यानी गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि थोड़ा घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीद लौटी थी, लेकिन आज देखिए कुछ बिकवाली का ही फिगर निकल के आ रहा है, 240 करोड़ के आसपास की सेल्स का फिगर निकला है। लेकिन कैश और एफएनओ स्पेस दोनों जगह हमने दमदार खरीदारी विदेशी स्थागत निवेशकों की तरफ से होते हुए देखिए, 1230 करोड़ के आसपास का फिगर कैश स्पेस में है, और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ की खरीद का फिगर एफएनओ में निकल कर आ रहा है। तो शांत क्यूज यहां पर ग्लोबल मार्केट से एटलीस्ट फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे मार्केट्स में जहां तूफानी एक्शन बना है, इस पर आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर मॉर्निंग, आज क्या किया जाए गिवन द फैक्ट कि फ्राइडे है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में कोई अहम बदलाव? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत तो ठीक है, वैसे तो कल अमेरिकी बाजारों पर चुकी छुट्टी थी और डाउ फ्यूचर भी शांत ट्रेड कर रहे हैं और हम ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। सो आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव है, खाली एक ही चीज है कि नई सीरीज की शुरुआत हो रही है और नई सीरीज की शुरुआत हम थोड़े हेवी नोट पर कर रहे हैं। एफआईसी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 77% के आसपास है, पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, तो काफी लोग शायद वो उत्साहित हैं कि खुलते ही आज नया हाई बन सकता है, बन सकता है, लेकिन बनने के बाद अगर बना तो वैसे तो चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, अगर बना तो वहां पर थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा और उसकी वजह यह है कि आपको थोड़ी प्रीमियम एडजस्ट करके देखनी होगी नई सीरीज की शुरुआत में, लेकिन हाँ ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर आज दिन के दौरान कोई डील है तो आपको खरीदारी का मौका देखना चाहिए। रो खरीदारी का मौका आपके लिए सबसे बढ़िया बनेगा 18,350 से 18,425 की रेंज पर फोकस करिए, इस रेंज में खरीदारी करना ठीक रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,575 से 18,650 की रेंज आएगी, वहां पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इतिहास में पहली बार कल हमने 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है, जो सपोर्ट रेंज है वो बहुत ही मजबूत और बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट रेंज है और अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आता तो जरूर खरीदना चाहिए और वो है 42,725 से 42,850। ये 125-150 पॉइंट की रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर खरीदने का मौका आपके लिए बन सकता है। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में अंदाज से ही लेवल दे रहा हूँ क्योंकि लाइफ हाई पर हम बंद हुए हैं और आज सीरीज की शुरुआत में डेटा भी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ 43,500 जो हमारा टारगेट था परसों का वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो 43,350-43,500 ये ऊपर का आपका टारगेट रहेगा जहां तक बैंक निफ्टी पर जाने का सवाल है। जी नहीं, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ तो हमने मार्केट में देखी है, आज थोड़े से 50-50 चांसेस हैं कि एक नए हाईज की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन मोमेंटम अभी भी मजबूती का है, जैसे सर ने कहा खरीदारी बनती है। 18,350 से 425 आज एक सपोर्ट रेंज निफ्टी में साबित होगा, अपर बैंड 18,650 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 42,725 से 850 ये अच्छी सपोर्ट रेंज आज सर को दिखाई दे रही है और अपर बैंड 43,500 के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब जान लेते कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल मॉर्निंग, जरा बताइए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कहां खरीदारी करनी है? अब बिल्कुल, खरीदारी तो ब्लैक फ्राइडे सेल्स की चली रही है तो उसमें खरीदारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। स्टॉक्स न्यूज़ की लिस्ट में है कि नहीं? बिल्कुल 100%, इसीलिए ब्लैक भी शर्ट पहन के आया हूं मैं। तो डेफिनेटली यहां पर ट्रिगर्स के लिहाज से आपको जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, आज वित्त मंत्री सीतारमन जी की बैठक होने वाली है राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ। प्री बजट कंसल्टेशन 11 बजे से शुरू हो जाएगा और साथ ही IRDAI यहाँ पर जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इनकी बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। जहाँ तक अन्य FNO स्टॉक्स का सवाल है, 430 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि T+1 सेटलमेंट साइकिल में ट्रांजिशन आज के दिन में हो जाएंगे। साथ ही दो IPOs यानी जो आए थे पहले, गो फैशन और साथ ही इथॉस, यहाँ पर इसके एंकर लॉक इन पीरियड्स खत्म होते हुए नजर आएंगे। जहां तक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का सवाल है, बायबैक को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, अदानी एंटरप्राइजेस फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल पर भी ध्यान रखेगा क्योंकि डीलिस्टिंग को लेकर आज कंपनी इस पर बोर्ड मीटिंग करेगी। जिम लैबोरेटरीज, यहां पर भी कंपनी NSE मेन बोर्ड पर लिस्ट हो जाएगी। आपको पता है ऑलरेडी BSE पर यह जून 2018 में लिस्ट हो चुकी थी। एक्स डेट है महाराष्ट्र सीमलेस के बोनस शेयर की, साथ ही चेंज इन प्राइस बैंड है यहां पर। एक तो फिनो पेमेंट बैंक का यहां पर 20% से 10% होते हुए दिखे हैं और साथ ही आप देखिए GSPL यहां पर 10% से 20% इनके ओवरऑल जो प्राइस बैंड है वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक PNB का सवाल है, सरकार से UTI AMC में जो इनकी 15.22% हिस्सेदारी है उसको बेचने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, तो डेफिनेटली यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट खबर है PNB के लिए। ओबरॉय रियल्टी की जहां तक बात है, कंपनी ने ओसिस रियल्टी से जो 360 वेस्ट प्रोजेक्ट है उसके अधिग्रहण पर क्लैरिफिकेशन दिया है। 1 दिसंबर को इस पर EGM होने वाली है और EGM में मुंबई में ओएसिस रियल्टी से 360 वेस्ट प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बेसिकली ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है एक टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है, इनफैक्ट जो कैश न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है सिवाय टैक्स के, और यहाँ पर ओएसिस को
एक या एक से अधिक चरणों में 12 महीनों के भीतर देगी कंपनी करीबन 4,000 करोड़ रुपए। तो डेफिनेटली यहां पर इस वजह से ये फोकस में रहेगा। LIC इसमें इनके चेयरमैन का बयान आता हुआ दिखा है कि FY23 में शेयर बेचकर लगभग 40,180 करोड़ रुपए का मुनाफा बुक करने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं और अगले 2 साल में जो नॉन पार कारोबार है इनका वो उसका हिस्सा 9% से बढ़ाकर 15% करने तक की उम्मीद है। PVR तिरुवनंतपुरम केरल में इन्होंने पहला आईमैक्स लुलू मॉल में करीबन 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स का खोला है। 5 दिसंबर 2022 को ये इनफैक्ट ये खोलेंगी और केरल में सबसे बड़ा 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स ये होगा। इनफैक्ट अंत में यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का बयान है, GCC और इंडिया के बीच में जो FTA नेगोशिएशंस चल रही हैं तो इससे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स साथ ही एनर्जी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और ये जो बातचीत ये नेगोशिएशंस FTA को लेकर शुरू हुई है दोनों ही पक्ष काफ़ी जल्दी से ये जो डील है इसको पूरा करना चाहते हैं तो इस वजह से ये सभी सेक्टर्स और स्पेसेस फोकस में रहेंगे। चलिए तो आज नजर रखनी है उन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स पे जिसका जिक्र अभी कुशल ने किया है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल, शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। कैश स्पेस में आज एजिस कैम यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 319 का लगाना है, टारगेट मिल जाएगा 348 का। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज रेमंड खरीद के चलने की सलाह है। इस खरीदारी की स्ट्रेटेजी में 1285 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट होगा 1368 का। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग सन फार्मा खरीद कर चलने की सलाह है, 1021 का स्टॉप लॉस 1065 के अपसाइड टारगेट के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन यहाँ निकल कर आ रही है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स आज आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं, किन शेयरों में किन सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज कैसा एक्शन आप देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमें लग रहा है कि कल के दिन में जो मार्केट में एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 18,600 यानी 18,600 को क्रॉस करते हुए एक बार 18,800 के लेवल पे दिखा सकता है। तो मार्केट का मोमेंटम काफी अच्छा हो चुका है। कल IT बैंक सभी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आज मार्केट 40-50 पॉइंट अगर नीचे खुल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और मुझे लग रहा है कि 18,300 अभी ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है। तो बायर इसकी स्ट्रैटेजी रखे, वीकनेस में खरीद के चले, 18,300 का स्टॉप लॉस रखे, 18,800 के टारगेट नजर आते हैं और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा सुधार देखने मिलेगा। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर सेक्टर्स पर फोकस करना है तो एनर्जी या तो ऑयल एंड गैस, उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें। वहां पे हमें लगता है कि जेल गैस अथॉरिटी ये एक स्टॉक है जिसे लॉन्ग करके चले, जो 92 के करीब ट्रेड कर रहा है। 98-99 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस रखे 89 के करीब का। और चूंकि मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम जो है वो BFSI सेक्टर की वजह से है तो HDFC बैंक को लॉन्ग करके चले, टारगेट रखे 1675 के और हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 1595 का। पॉइंट टेकन। श्रीकांत जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है। ऑफ कोर्स गेल और HDFC बैंक, इस पर भी हमारे दर्शकों की नजर रहेगी, खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है निकल के बतौर ट्रेडिंग कॉल। वेलकम बैक। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, समझ लेते हैं वहां किस प्रकार की रणनीति आज आपको लेकर चलनी है। SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेटल्स पे फोकस कर लेते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में बहुत थिन वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, लेकिन चांदी इसने अपने आप को 21.5 के आसपास टिका के रखा है, घरेलू बाजार में क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आई है और देखा जाए तो बुलियन काउंटर के हर डिप पे बाइंग आ रही है। इंडिकेशन है जो मेजर ट्रेंड है वो बाइंग का ही है। आज भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और ये 106 से नीचे ट्रेड हो रहा है। जब तक 106 से नीचे ट्रेड हो रहा ट्रेंड जो है वो वीक रहेगा डॉलर इंडेक्स का और बुलियन जो है वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट इससे मिलता रहेगा मार्केट में। चांदी में मेरे ख्याल से बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे 61,550 के करीब। टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा मेरा क्योंकि लॉन्ग टर्म बाइंग यहाँ पे दिख रही है 62,600 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे 61,000 का लगा के चल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिप पे फिर से गोल्ड में भी बाइंग आ सकती है नेहा। इस मेटल्स में क्या किया जाए, यहाँ पर भी रेंज बाउंड ट्रेड ही है? जी नेहा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है पूरे हफ्ते, लेकिन बेस मेटल में कोई भी अपसाइड नहीं आया है, रादर एक करेक्शन की तरफ ये काउंटर है। और यहाँ पे चाइना से भी नेगेटिव न्यूज है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। जिंक में काफी उछाल आया था, वहां पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ सकती है।
265 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी होगी, 260 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस फेस कर सकते हैं 267.5 का। ओके, एनर्जी स्पेस भी रहा है जिसको कोई बहुत फायदा नहीं मिला है डॉलर की कमजोरी का, तो जरा बताइए कच्चे तेल में आज क्या किया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर जो फॉल आया है डॉलर इंडेक्स में उसका बिल्कुल फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मार्केट जो है वो 80 डॉलर से नीचे स्टे कर रही है। आज के दिन में एक कॉन्ट्रा मूव हो सकता है कि यहाँ पे देखने को मिले एक बार एनर्जी काउंटर में, और थोड़ी सी जो बाइंग है वो रिटर्न आ सकती है MCX में, लेकिन ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लग रहा है। 18 ट्रेडिंग सेशन तक हो सकता है कि यहाँ पे एक बार 50-60 रुपीज तक का गेन आता हुआ देखें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिप पे बाइंग आएगी, लेकिन मार्जिनल बाइंग यहाँ पे आ सकती है। नेशनल गैस में एक बाइंग जो है वो बनी रह सकती है, 10-15 रुपए तक का जो बढ़त है वो इसमें आता हुआ हम देख सकते हैं नेहा। ओके, सो माइनर गेन्स के लिए एक छोटे दायरे का ट्रेड होगा, वहां पर खरीदारी बनती है कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में आज के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू सो मच वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एनर्जी और मेटल स्पेस में आज करना क्या है। अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर FIR ब्रोकरेजेस ने दर्ज किया FIR बताने के लिए कुशल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुशल मॉर्निंग बताइए। मॉर्निंग नेहा, यहाँ पर सिप्ला पर रिपोर्ट्स आते हुए दिख रही है। दो ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी जो ओवरऑल व्यू है वो जारी किया है, जिसमें HSBC सबसे पहला है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इन्होंने 1340 रुपए के टारगेट्स दिए हैं तो वो मेंटेन किए हैं, साथ ही क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप लक्ष्य देखेंगे तो 1325 रुपए पहले था, अब 1300 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड दोनों ही जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब आते हैं दूसरे रिपोर्ट पर। यहाँ पर इनफैक्ट दूसरा जो काउंटर वो है इंश्योरेंस स्पेस से HDFC लाइफ का। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मौजूदा भाव से ओवररेट रेटिंग की ये देते हुए मॉर्गन स्टैनले करीबन 655 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए 572 रुपए का है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं एक्सपेक्टेड है। बट कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो यहां पर अच्छे खासे गेन्स पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आया था। जहां तक सिटी की राय है SBI लाइफ पर, वो भी मैं आपको बता दूं यहां पर काफी इंटरेस्टिंग टारगेट्स आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन टारगेट्स ये दे रहे हैं 1755 रुपए के, जबकि मौजूदा भाव आप देखें 1240 रुपए का है। तो अच्छी खासी अपसाइड पोटेंशियल यहां पर सिटी मानकर चल रहा है कि SBI लाइफ दिखा सकता है। इनफैक्ट मैक्वेरी की राय भी है, कोल इंडिया पर सरकारी कंपनी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं। इनमें काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस अभी कोल इंडिया को लेकर बुलिश भी हो रहे हैं, 253 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी ये देते हुए दिख रहे हैं। और अंत में सिटी की राय है PTM पर, बहुचर्चित स्टॉक है, कोई ना कोई खबरों में ये रहता ही है, 1055 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी दे रहे हैं। अब आप देखें कल भी 2.5% गिरता हुआ दिखा था, अब नीचे का यहां पर रिपोर्ट ये दे या अपसाइड का, अब आप देखिए डेफिनेटली सिटी यहां पर तो अपसाइड ही एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो 1055 रुपए के टारगेट सिटी ने PTM पर दिया। ओके, तो ये है आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट आपके लिए। थैंक यू कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।